मैम हो गया। आज मैं आप सबको डेंगू बुखार के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको रोज ही बताया जा रहा है, प्रेयर में भी बताते हैं कि डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। किससे फैलती है? एडीज मच्छर। ये मच्छर दिन में ही काटता है, ठीक है। तो बरसात के मौसम में साफ पानी इकट्ठा हो जाता है, गड्ढों में, गमलों में, कुछ टूटा हुआ पड़ा है, छत में सामान पड़ा है, उसमें इकट्ठा हो जाता है। ये मच्छर साफ पानी में ही अंडे देता है, और जरूरी नहीं अंडे देने के लिए इसे कोई बहुत बड़ी जगह चाहिए। बोतल का एक ढक्कन होता है, उसमें भी ये अपने अंडे दे देते हैं, ठीक है। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है, इसीलिए इसे खतरनाक मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें मच्छरों से बचना है। हम एक एक मच्छर को मार तो सकते नहीं, तो हमें क्या करना है? उन्हें पैदा होने से ही रोकना है, ठीक है। तो कैसे रोकेंगे? उसे अंडे देने के लिए पानी चाहिए, तो हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना, साफ पानी इकट्ठा नहीं होने देना। छतों में कुछ सामान ऐसा रखा है, टायर है, कोई टूटा गमला है, खिलौना है, जिसमें पानी थोड़ा सा भी इकट्ठा हो जाता है, उनको वहां से हटा दो या उल्टा करके रख दो, ठीक है। दूसरा, आपको पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं, पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं, ताकि मच्छर आपको ना काट सके। पैर आपके पूरे ढके होने चाहिए, ठीक है, मच्छर आपको ना काट सके। घर में मच्छर भगाने के लिए आप कछुआ छाप या मच्छर भगाने वाली क्रीम भी लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी जगह होती है बेटा जहाँ पे ना आप पानी हटा नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, तो ऐसी जगह पे क्या करते हैं हम? उसमें मिट्टी का तेल, पेट्रोल या दवाई डाल, उससे क्या होता है, तेल ऊपर सतह पे आ जाता है और मच्छर उसमें अपने अंडे नहीं दे पाता। जब अंडे ही नहीं दे पाएगा तो मच्छर पैदा ही नहीं होगा, ठीक है। तालाबों आदि में मछलियां डाली जाती है। मछलियां क्यों डाली जाती है? देखो, तालाब तो आप साफ नहीं कर सकते हर हफ्ते, है ना। तो मछलियां क्यों डाली जाती है? जो मच्छरों के लार्वा होते हैं ना, अंडे से लार्वा बनता है, मछलियां उन्हें अपने खाने के रूप में खा जाती है, तो मच्छर पैदा नहीं होता। तो हमें इस कड़ी को तोड़ना है कि मच्छरों को वो जगह ही ना मिल पाए जिसमें वो अंडे दें,